नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी, आर्थ्रोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज फिर से आप लोगों के सामने हमारे एक और पेशेंट सरोज, जो कि यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। सरोज के चोट लगने के तुरंत बाद ही हमारे अस्पताल में लेके आए थे, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मैंने उसे देखा। दर्द होने के कारण हम ज़्यादा उसकी जाँच पड़ताल नहीं कर पाए। अगले दिन हमने सरोज की MRI कराई और उसमें मल्टी लिगामेंट, जिसमें सरोज का ACL टियर था और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट टियर था। तो आइए दोस्तों, आप सरोज की जबानी सुनिए कि किस तरह सरोज की चोट लगी, किस तरह सरोज हमारे पास आई और कैसे उसकी, कितने दिनों बाद उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी से अब कितने दिन हो गए हैं सरोज को और सरोज अब क्या क्या करें। तो सरोज बताइए, किस तरह चोट लगी आपके? मैं स्कूटी लेके जा रही थी तो पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर लगाया, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो स्कूटी मेरे ऊपर गिर गई घुटने के ऊपर, तो खड़े नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आमतौर पर सबका सोचना यही होता है कि जो लिगामेंट इंजरी है वो सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी है, यानी कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई रग्बी खेल रहा है, उसी में चोट लगती है। आजकल जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भी लिगामेंट इंजरीज होती हैं। तो सरोज, फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी चोट लगी? तो फिर मैं वो एमरजेंसी, खड़े नहीं हो पाए तो मैं एमरजेंसी लाया गया, फिर डॉक्टर अभिषेक सर को दिखाया तो उन्होंने बोला, दर्द ज़्यादा था और सूजन थी, तो कुछ बोला सर ने एडमिट करने के लिए। फिर दूसरे दिन MRI करवाई तो उसमें मेरे को लिगामेंट्स इंजरी बताई, LCL और बाहर का लिगामेंट्स टूटा हुआ था। तो सर ने फिर ऑपरेट के लिए बोला, 3 सप्ताह का मेरे को ऑपरेट करने के लिए बोला। तो दोस्तों क्या होता है, मल्टी लिगामेंट इंजरीज जो होती हैं, मल्टी लिगामेंट होगी या कोई भी घुटने की इंजरी होगी, उसके अंदर जो आपके लिगामेंट होते हैं उसके साथ साथ जो बाहर जॉइंट का कैप्सूल होता है उसका भी टियर होता है। तो अगर हम ऑपरेशन करने में जल्दबाजी करें, कुछ करें, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपकी घुटना स्टिफ यानी अकड़न आ सकती है आपके घुटने के अंदर, और इसके अलावा इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं और साथ में सूजन भी बनी रहती है। तो सरोज, उसके बाद आपने, आपका 3 सप्ताह बाद लगभग ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपकी चलाया आपको और कैसे आपके आगे प्रोसेस चले? ऑपरेशन होने के 3 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरे को सर ने 15 दिन के बाद तो बोला एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दी मैंने। फिर सर ने बोला 18-20 दिन बाद बोला कि सेल्फ थोड़ा बेल्ट लगा के थोड़ा थोड़ा चलो, तो मैं 20 दिन बाद सेल्फ काम, खुद काम करने लग गई थी, मैं आराम से चलने लग गई थी बेल्ट लगा के। दोस्तों, मल्टी लिगामेंट इंजरी और जो ACL आइसोलेटेड जो इंजरी के ट्रीटमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा स्लो चलते हैं, क्योंकि जो मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है उसके अंदर अगर हम जल्दी चलेंगे तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद हमने लगभग 2 से 3 सप्ताह बीच में सरोज को चलाना शुरू कर दिया था और नी बेंडिंग शुरू करा दी थी। तो आप अपने नॉर्मल अपना काम करना, और ये कब तक आपने शुरू कर दिया था? 1 महीने के अंदर मैं आराम से चलने लग गई थी। उसके बाद मैंने उठक बैठक निकालना, साइकिलिंग करना शुरू कर दिया था। लगभग 1.5 महीने बाद मैंने रनिंग शुरू कर दी थी और फिर मैंने अपना नॉर्मली काम जो वापस शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो मल्टी लिगामेंट इंजरी है ये ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल है या इसके सक्सेस रेट अच्छे नहीं है, इसके सक्सेस रेट उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी सब इस लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शंस के हैं। पर दोस्तों, अमूमन क्या होता है, अगर यदि आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते तो जो मल्टी लिगामेंट इंजरीज होती हैं इनको अनदेखा किया जाता है, ये डायग्नोज नहीं हो पाती। तो इसके चलते क्या होता है, जो ACL रिकंस्ट्रक्शन के जो फेलियर के जो रेट्स हैं ये बढ़ जाते हैं। तो सरोज, आप हमारे व्यूअर्स को हमारे बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैंने तो एक बार यही उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं कभी खड़ी हो पाऊंगी या चल पाऊंगी, पर दर्द सर डॉक्टर अभिषेक सर ने मेरे को उम्मीद बंधाई और उन्होंने मेरे को बोला कि इस तरीके से ऑपरेट होगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, सब समझाया मेरे को। और सर ने बोला दोबारा चल भी पाओगे, अपने पैरों पर खड़े भी हो पाओगे, अपना नॉर्मल काम खुद से वैसे जैसे पहले कर रहे थे उस तरीके से कर पाओगे। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ सर की, कि सर ने मेरे को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, मल्टी लिगामेंट इंजरी होने के बावजूद भी आज 2.5 महीने हो गए हैं और सरोज सब कुछ कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि मल्टी लिगामेंट किसी की इंजरी हो गई तो वो कभी अपने जीवन में वापस प्री इंजरी लेवल या चोट लगने से पहले जो वो कर सकते थे या उनके घुटने का जो स्टेटस था वो वापस नहीं आएगा। जो आपके घुटने का स्टेटस था बिल्कुल वैसा हो जाता है, परंतु क्या होता है कि हम स्पेशलिस्ट को ना दिखाएँ तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ACL के साथ जो अन्य लिगामेंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है ACL के फेलियर का। तो दोस्तों, ACL के साथ जो अन्य लिगामेंट की इंजरीज होती हैं उनको नेगलेक्ट ना करें और स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करें। थैंक यू।